ना थोड़ा सा मैं लाइटर मूड पे आऊंगी, क्योंकि जब आप पहलवानी कर रहे हो तो आपका खाना पीना भी अच्छा खासा माशाल्लाह तगड़ा होता है। हम थोड़ा सा डाइट प्लान आपका जानना चाहेंगे, क्या आपके डाइट रूटीन है, डाइटरी हैबिट्स हैं जिनको आप लेके चलते हैं? असल में एक एक पहले बात चलती थी जी कि पहलवान जो है ना वो पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा। That's why I'm asking this question. मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे थोड़ा था क्यूरियोसिटी इस बारे में। असल में ये जब आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम पहलवानी का स्टाइल ये था कि उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती थी। आपका जितना बड़ा आपका वेट ज्यादा होता था, जितना आपका जो है वो स्ट्रक्चर बड़ा होता था वो ज्यादा ताकतवर तसव्वुर किया जाता था। लेकिन अब जब से ये मैट रेसलिंग में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है तो अब वेट कैटेगरीज बन गई हैं। अच्छा। लाइक 57 वाले खिलाड़ी ने 57 के साथ खेलना है, 100 वाले ने 100 के साथ खेलना है, 85 वाले ने 85 के साथ खेलना है। तो इसलिए वो जो बकरे खाना और ये तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल चेंज हो गई हैं। और इवन मैं अब आपको बताऊँ कि अब हमें कंपटिशन से पहले अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि हमारा नॉर्मली 3-4 kg वज़न ज़्यादा होता है तो फिर कंपटीशन से पहले हमने जो हमारी फैट है उसको कम करना होता है, और इसलिए फिर हमारी डाइट ज़्यादा होने के बजाय मजीद कम हो जाती है। तो नॉर्मली जो अभी आर्टिफिशियल या जिस तरह आप समझ लें कि हम ले रहे हैं फ्रेश जूस हम लेते हैं, अंडे वगैरह हम आजकल ले रहे हैं, अंडे ब्रेड फ्रेश जूस, इसके अलावा एक जो जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम सरदाई तैयार करते हैं। मैं उसी के हवाले से पूछने वाली थी, सरदाई का इस्तेमाल कैसा होता है? सरदाई क्योंकि जिस तरह गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर हमारे जो रेसलर हैं ये हमारा ये कदीमी तरीकाकार एक चलता आ रहा है। सही। तो इसमें बादाम डलते हैं, चारों मगज होते हैं, खसखास, जीरा और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें डाल के हम उसको वो बनाते हैं। फिर उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, दूध का इस्तेमाल होता है, तो फिर वो एक मुरक्कब जो है ना वो हम लिक्विड तैयार हो जाता है। और फिर जब हमने कोई 2 घंटे ट्रेनिंग की होती है तो फिर हम वो पीते हैं, तो उससे एक तो हमारी एनर्जी भी बहाल हो जाती है और बड़ा रिफ्रेशिंग जो है ना वो हमें फील होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी ये जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं इनकी, ये भी तो आप लोगों को फोकस में रखनी होती है कि इनकी स्ट्रेंथिंग भी हो। मैं चूंकि काफ़ी टाइम हॉकी के साथ रहा हूँ जी, उसके बाद जब मैं स्विचर ओवर हुआ जनरल आरिफ हसन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओलंपिक्स के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और खालिद महमूद साहब माशाल्लाह दोनों बहुत हद तक काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, इन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली दफ़ा बीच गेम्स पर गया इनके साथ, कबड्डी के प्लेयर खाना खा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा जी क्या खा रहे हो, पूरा पहाड़ एक चावलों का भरा हुआ था जी, उसके ऊपर सालन था, 2-3 उन्होंने साथ छोटे बाउल्स जो हैं वो करी के रखे हुए थे। तो मैंने कहा जी आपका इवेंट कब है? उन्होंने कहा जी आज ही है पान, कोई 4:30 बजे, वो 2 बजे हुए थे। मैंने कहा इतना ज़्यादा कहता पान आज मैच बड़ा हैवी है, इंडिया के नाल मैच है। मैंने कहा यार मेरा मतलब फिर मैंने हैवी मैच तो हैवी खाना होना चाहिए। वो कर्नल नबील साहब हैं और सरवर साहब हैं ये पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के, तो इनको मैंने फिर बुलाया, रिक्वेस्ट की कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको एक डाइट प्लान देता हूँ। क्योंकि प्लेयर का जो सुबह का नाश्ता है वो आम बंदे के लिए भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो सबसे बड़ा मील जो है वो आपका नाश्ता है, ब्रेकफास्ट का मतलब है आप रोज़ा तोड़ रहे होते हैं, रोज़ा खोल रहे होते हैं रात का जितना भी। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ और प्लेयर्स भी ख्याल नहीं रखते ब्रेकफास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह खा लेते हैं। प्लेयर के लिए सबसे अच्छी डाइट कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ द मेन फ्यूल। और जो जो इंटेंस ट्रेनिंग जो करते हैं या जिनकी एक्सप्लोजिव किस्म की एनर्जी जिनको चाहिए उनको इन एडिशन फैट्स की तो थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा देनी पड़ती है और प्रोटीन भी उस हिसाब से। जनरली जो प्लेयर है वो 70% हम उसको रिकमेंड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ले। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ों में है? वो है रोटी, चावल, आटा, मैदा, सूजी, जूसेस, मीठा जितना भी है वो, आपके बहुत सारी और चीज़ें जिनमें इनमें आपको कुदरती तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। यानी ये आपकी जिसे कहते हैं ना गाड़ी में आप एविएशन ऑयल जब डलवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। उसके बाद जो एनर्जी सोर्स है दैट इज फैट। ठीक है, तो फैट्स जो है वो बच्चों को खास तौर पे देने चाहिए। सही हो गया। हमारे यहाँ ऑयल का इस्तेमाल शुरू हो गया कि फैशन डेवलप हो गया कि हम वेजिटेबल ऑयल या कैनोला ऑयल यूज करते हैं, बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है, बच्चों ने ग्रो करना है, इसीलिए हमारे बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, उनको विटामिन ए और डी की जरूरत है। ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि ये तेल यूज करें आप उनको वो दे।